बात कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। अब निशिकांत जी को यदि आना होगा तो बोलिए जमशेदपुर घुमा लाएंगे, बड़ा भाई है हमारा। कौन माई कलर ले जाएगा हमको? बीजेपी वाला। अरे बीजेपी वाला का क्या छोड़िए। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला राज्यपाल रमेश बैस पर छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल रमेश ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मामले में राय ली है। संभवतः राज्यपाल इस पर आज फैसला ले लेंगे। इससे झारखंड सरकार संकट में आ गई है। इधर महागठबंधन की बैठक के बाद सीएम रांची से 150 किलोमीटर दूर नेतरहाट के लिए निकल गए हैं। वहीं खबर यह भी आ रही है कि महागठबंधन की सरकार बचाने के लिए कांग्रेस और झाबुमो के विधायक छत्तीसगढ़ जाएंगे। यह खबर में कितनी सच्चाई है यह हम आपको दिखाते हैं। देखिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर क्या कहा। जिस तरीके से साजिशें चल रही हैं, हम पूरी मजबूती के साथ, हमारा ये गठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम लोग लड़ेंगे। अरे भाई वही तो बोल रहे हैं, अब आप ही मेरा बदले बोल लीजिए। हम लोग जो है जिस तरीका का अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे। और जो भी जुल्म होगा, हर जुल्म सितम सह कर भी झारखंड की अस्मिता को बचाएंगे। शाम को फिर मीटिंग होगी। बात कर रहे हैं, जा रहे हैं। अरे अब निशिकांत जी को यदि आना होगा तो बोलिए जमशेदपुर घुमा लाएंगे, बड़ा भाई है हमारा। अच्छा सुनिए बन्ना जी, किस बात से नाराज होके चले गए? नहीं नहीं, उनको कहीं काम था, नाराज नहीं होके गए। झूठा बोलते नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री व्यापारी बन जाएगा तो उस देश का किसान और मजदूर कंगाल हो जाएगा। नहीं जा रहे। अरे कहाँ जाएंगे, घर बार छोड़ के जाएंगे कहीं? ये परमानेंट घर है असम, कहीं नहीं, यही रहे। कल आज शाम को फिर मिलेंगे, कल सुबह भी यही मिलेंगे। हाँ यही मिलेंगे, आज शाम को 7 बजे यही मिलेंगे। दूसरा प्लान क्या है सर अभी? अरे कोई प्लान नहीं है, बीजेपी प्रोग्राम है। कोई तो नया चेहरा आया होगा अभी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।